को समाप्त करो, समझ जाओगे तो मजा आ जाएगा। अल्लाह के प्यारे हबीब का प्यारा घर वहां पे है, वहां था, आज वो जगह मौजूद है। और वो मुकद्दस मकाम जब आप मरवा की पहाड़ी से बाहर निकलेंगे, मरवा की पहाड़ी से जब बाहर निकलेंगे तो मरवा के बाहर एक बहुत बड़ा वॉशरूम बना हुआ है, देखा आप लोगों ने। और जहां पे वॉशरूम बना है, ये असल में अबू जहल का घर था। किसका घर था? अबू जहल। आज भी लोग जो है मक्कतुल मुकर्रमा में सबसे बड़ा वॉशरूम जो बना है वो अबू जहल के घर के जगह पे बना है, क्योंकि अबू जहल तो बदबख्त था, इस्लाम को कबूल नहीं किया, तो उसकी जगह भी वही होनी चाहिए। और वहीं से थोड़ा सा आगे पहुंचेंगे तो आपको एक जगह दिखाई देगा, एक प्यारा सा, एक छोटा सा घर है जिसमें लिखा हुआ है मक्कतुल मुकर्रमा लाइब्रेरी। अच्छा, जहाँ पे लाइब्रेरी बना है, किताब घर जहाँ पे बना है, पीछे वाले लोगों ने देखा है लग रहा है। और इंशाल्लाह जो नहीं देखा ना, फिर इंशाल्लाह हरम में जाएंगे तो कोशिश करके देखेंगे। और आज भी वो घर का जो आखिरी हिस्सा है ना, एक कोना ऐसा है कि आज भी उस घर से ऐसी भीनी भीनी और प्यारी प्यारी खुशबू आती है। यकीन अगर गौर करेंगे तो मेरे ख्याल से इस दुनिया में ऐसी खुशबू ही नहीं। और वो क्यों ना हो, क्योंकि हुजूर के कदम नाज लगे, हुजूर के जिस्म मुबारक लगे हैं। ये वही जगह है जहाँ पे हुजूर की विलादत पाक हुई। और जब अल्लाह के प्यारे हबीब जब पैदा हुए तो पूरा मक्का जो है जगमगा उठा। लोग जो है हुजूर के अम्मी शान के बारगाह में आके कहते हैं कि आपके घर में कैसी रोशनी हो गई अल्लाह अकबर, जो पूरे मक्के में हर तरफ फैल चुकी है। आप रात में क्या अपने घर में जलाती है, तो अल्लाह के प्यारे हबीब के बारगाह में और अम्मी शान के बारगाह में जब सवाल किया गया तो अम्मी शान ने कहा कि ये मेरे लखों जिगर का बरकत है अल्लाह अकबर। यानी कि वो मुकद्दस मुकाम आज भी आप जाएंगे ना, वहां से आने का मन नहीं करेगा। उसी घर को जो है कुफार ने जब चारों तरफ से घेर लिया और अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कमरे के अंदर मौजूद थे और साथ में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर के साथ में कौन मौजूद था उस टाइम? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद। अच्छा, अब वहां पे जब कुफार ने घेर लिया, हाथ में नंगी तलवार लेकर खड़े हैं, और उस वक्त हुजूर ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से फरमाया कि अली आज रात मेरे बिस्तर पे सो जाओ। अब बताइए बताइए कि किसी इंसान को अगर कहा जाए कि तलवारों के साए में सो जाओ तो मेरे ख्याल से कोई नहीं सोएगा। अब जहां पे 40 लोग हाथ में नंगी तलवार लेकर इंतजार में खड़े हैं माजल्ला, ये जैसे ही निकलेंगे कत्ल कर देंगे, और हुजूर ने फरमाया अली से कि अली सो जाओ आज मेरे बिस्तर पे, अल्लाह अकबर। हजरत अली को जब ये बात पता चली, हजरत अली से जब हुजूर ने फरमाया तो अली जो है ना बेखौफ हो गए और बेखौफ होकर हुजूर के बिस्तर पे सो गए, अल्लाह अकबर। कहते हैं कि हजरत अली से किसी ने यह सवाल किया कि बताओ कौन से ऐसी प्यारी रात गुजरी जिस रात में बड़ी प्यारी नींद आई, तो हजरत अली ने फरमाया कि ये वही रात थी जिस रात में मैं हुजूर के बिस्तर पे सोया। माशाल्लाह, सुभान। अच्छा, किसी को नींद ना आए, अब बताइए आपके मोहल्ले में 4 पुलिस वालों को भेजा जाए और एक पुलिस वालों को बोला कि दरवाजे पे खड़े रहना, तो मेरे ख्याल से पूरे घर वाले बाहर नहीं आएंगे। लेकिन हजरत अली का ईमान है, ये हुजूर ने फरमाया ये हो गया, हुजूर ने जो कह दिया वो हो गया, तो ये ईमान सहाबा इकराम का इतना मजबूत था, अल्लाह अकबर। अब अल्लाह के प्यारे हबीब ने उस कमरे के अंदर एक दुआ पढ़ी, कौन सी दुआ पढ़ी? सूरह यासीन शरीफ की आयत करीमा, व जअलना मिन बैन अयदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग्शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। आपने इस दुआ को पढ़ी और पढ़ने के बाद जो है थोड़ा सा मिट्टी उठाया, एक रवायत में आता है कि रेत उठाई, और उठाने के बाद जो है आपने उसमें दम किया और हवाओं में बिखेर दिया। अच्छा, हुजूर की दुआ की बरकत का असर तो देखिए, मिट्टी थी थोड़ी सी, है ना, कितनी थी मिट्टी? थोड़ी सी मिट्टी थी, और दुआ का असर ऐसा हुआ कि जितने कुफार थे वहां पे सबके आंखों पे पर्दा पड़ गया, ऐसा पर्दा पड़ा कि सारे के सारे जो है
सारे वहीं पे खड़े रहे लेकिन हुजूर वहां से चले गए, किसी को पता भी नहीं चला। अल्लाह अकबर। और अल्लाह के प्यारे हबीब वहां से जब निकले तो अबू बकर सिद्दीक के घर पहुंचे, और घर पहुंचने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक को साथ में लिया। अच्छा, अबू बकर सिद्दीक का घर कहाँ है मक्के में, वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, वहां से फिर क्या हुआ, हुजूर ने अबू बकर सिद्दीक को लिया और गारे सोर के दामन में पहुंच गए। उसके बाद से जो है अल्लाह के प्यारे हबीब को कंधे पे बिठाया और फिर आप गार के अंदर ले गए। गार के अंदर जब पहुंचे तो गार के अंदर जो है एक सांप भी बैठा हुआ था। जब आप अंदर गए तो बाहर से मकरे ने जाला लगा दिया दरवाजे के ऊपर, कबूतरी ने वहां पे अंडे दिए, घोंसला लगा दिया, और फिर हुजूर अंदर आराम फरमाने लगे। और उसके बाद से अब गार के अंदर जो सांप बैठा था वो भी बेकरार था हुजूर का दीदार करने के लिए। अच्छा, बेकरारी वो ऐसी थी, मक्के पाक में बरकत ये थी कि अगर सहाबा को हुजूर से मिलना था, पहले तो ये एंड्रॉइड मोबाइल नहीं थी ना, फेस टू फेस बात करने का कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन अल्लाह के प्यारे हबीब जिस गली से मक्के से गुजर जाए वो गली खुशबूदार हो जाए, और सहाबा इकराम गली को देख ले, सूंघ ले, तो पता ये चल जाए कि